नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने ट्वीट के जरिए गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस ये याद रखे कि हमने राजस्थान को शांत प्रदेश बनाकर आपको सौंपा था, इसे आप अपराधियों का प्रदेश मत बनाएं। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले के बाद कई भाजपा नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया है। वसुंधरा राजे ने भरतपुर सांसद पर हमले की निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस ये याद रखे कि हमने राजस्थान को शांत प्रदेश बनाकर आपको सौंपा था, इसे आप अपराधियों का प्रदेश मत बनाओ। वसुंधरा राजे ने सांसद पर हुए हमले के बाद सोशल मीडिया के जरिए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर मिनी अनलॉक लगने जा रहा है। अनलॉक में फिलहाल ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद कम बताई जा रही है। दुकानों के खुलने का समय बढ़ेगा। एक्सपर्ट ने दिया कम केस वाले जिलों को पहले खोलने का सुझाव। प्रदेश में कम होते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार 1 जून को लॉकडाउन खोलने जा रही है। 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत करने जा रही है। मिनी अनलॉक इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली है। अनलॉक के पहले फेज में बाजार में सीमित संख्या में दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनलॉक के पहले फेज में रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी, जैसे किराना और खाद्य सामग्री, दूध, डेयरी जैसे दुकानों को खोलने का समय बढ़ना तय माना जा रहा है। किराना दुकानों का समय सुबह 6 से 11 बजे है, जिसे शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान की टॉप 8-10 बड़ी खबरों में यह खबर भी शामिल है। राजस्थान के सबसे बड़े डॉक्टर की हालात नाजुक। लंग्स खराब होने से वेंटिलेटर पर है डॉक्टर अशोक पानगढ़िया। देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम कर रही है मॉनिटरिंग। देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पानगढ़िया की हालात शुक्रवार शाम तक नाजुक बनी हुई थी। कुछ लोगों ने इनके निधन की अफवाह गुरुवार रात से ही सोशल मीडिया पर फैला दी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम से बने सोशल मीडिया से भी इनके श्रद्धांजलि देने के मैसेज वायरल हुए। हालांकि बाद में उन मैसेज को हटा दिया गया। पनगड़िया के करीबी सूत्रों की माने तो आपको बता दें कि उनके फेफड़े काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं। ऐसे में पूरे देश भर में उनके करीबी और उनसे जुड़े लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है, 104.66 रुपए प्रति लीटर। एमपी को छोड़ बाकी पड़ोसी राज्यों से 10 रुपए अधिक महंगा हो चुका है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की दामों ने आम जनता को परेशान कर रखा है। राजस्थान के 33 में से 29 जिलों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो चुका है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि एक बार फिर पकड़ा गया मृत्युभोज। साहब, न कोरोना से डर लगता है न जुर्माने से, समाज में इज्जत खराब न हो जाए इसका डर लगता है। कई समाज ऐसे हैं जिन्होंने मृत्युभोज पर पाबंदी लगा रखी है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जिन्हें समाज में अपनी प्रतिष्ठा कम न हो, इस डर के चलते कोरोना काल में भी प्रशासन की बिना पाबंदी के बाद भी मृत्युभोज करना जरूरी हो रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान विस्थापितों को लेकर आमने सामने हुए नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत सरकार। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने पाकिस्तान विस्थापितों को कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान राशन सामग्री उपलब्ध नहीं होने और वैक्सीन के लिए व्यवस्था करवाने के लिए न्याय मित्र की ओर से जनहित याचिका में पेश किए एडिशनल सब इंजेक्शन पर सुनवाई की। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि 11.5 लाख वैक्सीन खराब होने के आंकड़े पूर्णतः गलत हैं, सीएम अशोक गहलोत। वैक्सीन डोज बर्बाद होने के आरोप को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि झूठे आरोप लगाकर बीजेपी कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से नकारात्मक राजनीति नहीं करने की अपील भी की है। ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।